बाप रे आने दो। एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छी तरीके से आपका दिन पार हो रहा होगा। सो वेलकम बैक। और आज है मंडे और अभी है आफ्टरनून का टाइम, सो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा मंडे को मेरा मैक्सिमम मंडे को मेरा फास्टिंग रहता है और सुबह से ये आफ्टरनून का टाइम बहुत हेक्टिक से पार होता है। लाइक सुबह को जल्दी जल्दी उठो, नहाओ, पूजा करो, उसके बाद फिर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं नहा के पूजा ही कर लेती हूँ सुबह को। लाइक अराउंड 6:30 तक मैं उठ जाती हूँ, नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर चाय बैठा के फिर उसके बाद अनिरुद्ध को उठाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम अगर अच्छी तरीके से फिनिश हो जाए ना तभी मुझे लगता है कि ठीक से मेरा दिन का शुरुआत हो गया है। क्योंकि एक पूजा देना मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से, मंडे का पूजा स्पेशली, मुझे मंडे का पूजा देना अच्छी तरीके से मेरा हो जाए, आरती वगैरह अच्छी तरीके से हो जाए तो लगता है चलो अच्छा शुरुआत हो गया है। और उसके बाद फिर तो आपने अनिरुद्ध को देखा ही है कि उसको उठा के थोड़ा देर देना पड़ता है, उसके बाद ही वो स्टार्ट करता है अपना दिन। तो फिर उसको ब्रेकफास्ट देना रहता है, फिर अभिरूप उठता है मेरा बड़ा वाला बेटा, उसको फिर ब्रेकफास्ट देती हूँ, फिर ये जो बेडरूम है क्लीन करके देना पड़ता है क्योंकि इस बेडरूम में अभिरूप बैठता है और एक बेडरूम जो है उसमें उज्जवल मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं और जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे अनिरुद्ध बैठता है, मैं उसको वहाँ पे बैठाती हूँ क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम टाइम जो काम रहता है किचन में मैं करती हूँ और उसका जो पढ़ाई होता है मैं सुनते रहती हूँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर नहीं सुनो ना तो बाय चांस बच्चे क्या स्किप कर गए हैं, क्या ध्यान से सुने हैं कि नहीं, उनके डायरेक्शन क्या चल रहे हैं, टीचर क्या बोल रही है, एटलीस्ट सुनना पड़ता है क्योंकि छोटे हैं, उतने बड़े तो नहीं हैं और वो लोग यूज तो नहीं है इस कंप्यूटर में, तो थोड़ा सा सुनना पड़ता है। तो मैं ध्यान दे के सुनती हूँ कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा। बाकी क्लास वर्क वगैरह टीचर ही करवाती है, वो हमेशा बोलती है कि मैं ही करवाऊँगी, पेरेंट्स कभी कभार हेल्प करो बट वैसा हेल्प मत करो। सो दैट्स बहुत अच्छा है, हम लोग लकीली हम लोग को इस बार टीचर भी बहुत अच्छी मिली है और आज उनका सुबह को टेस्ट भी था तो टीचर बोली थी कि 9:30 to 10 आप पेरेंट्स उनको लॉगिन वगैरह करने में हेल्प कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि असेसमेंट होता है, यहाँ पे चार बार लाइक नंबर आते हैं, मार्क्स मार्किंग पीरियड होते हैं, MP1, MP2, MP3, MP4, तो ये सेकेंड मार्किंग पीरियड चल रहा है तो उसमें असेसमेंट था, ऑनलाइन था, तो वही मुझे लॉगिन वगैरह करके देना पड़ा तो फिर उसका टेस्ट हुआ। उसके बाद 10 बजे के बाद मैं खाना बनाने के लिए गई, खाना वाना बनाया क्योंकि फिर यार धीरे 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 क्या होता है कि टाइम पार हो जाता है, फिर खाना वाना बना के दी। उसके बाद फिर क्लास व्लास हुआ अनिरुद्ध का, 12:30 तक ख़त्म हो जाता है, फिर उसको नहला वहला के फिर खाना दी, फिर उज्ज्वल को खाना दी, अभिरूप को खाना दी, फिर उसका लैंग्वेज का क्लास रहता है, इंग्लिश का क्लास रहता है। यहाँ पे क्या है कि जो इंडियन बच्चे होते हैं या तो इंडियन क्या जो नॉन अमेरिकन बच्चे होते हैं यहाँ पे उनका एक लैंग्वेज जो इंग्लिश से अलग लैंग्वेज वाले जो बच्चे बोलते हैं उनका असेसमेंट लिया जाता है। अगर बच्चे इंग्लिश उनको लगता है कि और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो उनका इंग्लिश का क्लास भी दिया जाता है, तो उसका लैंग्वेज का इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास था। तो बस ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे भी टाइम चाहिए। तो बस अभी जाके थोड़ा सा शांत हुआ है घर और मैं आप लोगों से बात करना चालू की। और आज मैं ऐसे ही देख रही थी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में देख रही थी और मेरा सबसे पहले एक फैमिली वाला जो ग्रुप है व्हाट्सएप में जिसमें मेरे फैमिली मेंबर्स के सब कोई उसमें है, तो जहाँ पे भी अभी जा रहे हैं शादी वाला टाइम है, जहाँ पे भी जिस शादी में जा रहे हैं यार फ़ोटो डाल दे रहे हैं और देख देख के मेरे को लग रहा है कि क्या मज़ा करें, क्या कुछ कर रहे हैं। अगर आप बाहर रहो और आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो फैमिली वाले सारे फैमिली वाले करें तो आपको भी
फीलिंग आता है, फील लगता होगा। तो आज मैं वही देख रही थी और बोल रही थी कि वाह कितना अच्छा, मेरे पास कितनी अच्छी साड़ी साड़ी है, कितना अच्छा सब कुछ है जो कि मैं लेके आई थी इस बार। सोची थी कि दुर्गा पूजा में ही पहन लूँगी, बट वो भी नहीं पहन पा रही हूँ। और दूसरे सब स्टाइल में पोज पोज डाल के फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, और बस मैं स्क्रॉल करके लाइक कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ, वाह करके फिर पार कर रही हूँ। तो ऐसा दिन बीत रहा है, बट क्या करें यार, मन तो बहुत करता है जाने को। इवन मेरे कज़न का भी शादी है फेब में, बट उज्जवल बोल रहे थे जाना है देख लो, बट अभी तो जाना मुश्किल है क्योंकि कोविड का भी सिचुएशन। प्लस क्या है, आपके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों का क्लास बड़ा होते जाता है, उनकी पढ़ाई बड़ी मतलब बढ़ने लगती है। स्पेशली यहाँ पे जब छोटे बच्चे रहते हैं तो पढ़ाई कम रहता है, बट जैसे जैसे आप हायर लेवल में जाते हो आपकी पढ़ाई ज़्यादा होने लगती है, एग्ज़ाम ज़्यादा होने लगते हैं। तो अभी अभी तो 5th ग्रेड में है, मैक्सिमम टाइम उसके डेली कोई ना कोई कुछ ना कुछ एग्ज़ाम होते ही रहते हैं, तो उसका प्रिपरेशन करवाना पड़ता है। अगर मिस हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है ना, आप अगर इंडिया जाते हो तो आपको हाथ में कम से कम 1 से 1.5 मंथ का टाइम लेके जाना पड़ता है, क्योंकि 1 हफ्ता तो आपका जेट लैग में जाता है, जाने में 2 दिन लगता है, आने में 2 दिन लगता है, तो टाइम लेके जाना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में जाना, तो मम्मी भी बोल रही थी कि क्या आ सकती हो क्या, बट क्या करे यार, यहाँ पे लाइफ ऐसी ही है। अगर आप बाहर रहते हो तो आपको ये सब चीज़ आपको त्याग देना पड़ता है। हम लोग कर्म भूमि है में है तो त्याग देना ही पड़ता है, बट क्या करें, यही लाइफ है। जो लाइफ में चल रहा है उसी में एंजॉय करके रखो, और यही कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि अभी हम लोग लास्ट ईयर वाले चीज़ को मिस करते हैं कि क्या लाइफ था। हम लोग टाइम टू टाइम निकलते थे शाम को, सुबह सुबह बच्चे स्कूल चल जाते थे, हम लोगों को थोड़ा टाइम मिलता था, बट अभी हम लोग उस चीज़ के लिए रिग्रेट करते हैं कि क्या क्या क्या, तो नहीं करना चाहिए, जो है वही इंजॉय कर लेना चाहिए। तो बस वही, तो चलिए बहुत कुछ बात हो गया। आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आप लोग भी क्या शादी वादी इंजॉय कर रहे हैं, क्या पार्टी वार्टी में जा रहे हैं क्या, तो बताइएगा। अच्छा लगता है यार, और जा नहीं सकते तो क्या है, फोटो तो देख सकते हैं। व्हाट हैपन, यू वांट टू कम अनिरुद्धा? तो बस फोटो तो देख ही सकते हैं, इंजॉय तो कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स को, जा रहे हो फोटो भेजो, वही देख के इंजॉय कर लेंगे, कोई नहीं नेक्स्ट बार करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और होप करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो ये वाला वही शर्ट सेट है जब मैं ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग में खरीदी थी, क्योंकि आज ना टेम्परेचर बहुत ठंडा है यहाँ पे, लाइक अराउंड फील लाइक -10-11 जैसा है, और कल शायद स्नो भी होने वाला है, तो और ज़्यादा ठंडा होने हो गया है। बाहर तो ऐसे क्लाउडी वाला वेदर हो रखा है, क्योंकि जब भी स्नो होता है ना यहाँ पे तो ऐसा क्लाउडी वाला वेदर हो ही जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। कल पूरा बार बार वो जो आपको दिख रहा है ना, स्मोक डिटेक्टर फायर अलार्म पिप 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 बज रहा था, क्योंकि वहाँ पे बैटरी जो है वो ख़त्म हो गया था, तो वो लोग आज रिप्लेस करके गए। बाकी पूरा दिन, कल पूरा वीकेंड ये बजाया हमारा। तो अभी है आफ्टरनून का टाइम, और अभी हम लोग बेड पे हैं, अभी हम लोग सोने के लिए आए ना, छोना पड़ेगा, अदरवाइज इसको क्या है, अभी सोने का मन नहीं करता है इसको, क्योंकि अभिरूप का सोता नहीं है, वो उसका होमवर्क रहता है, तो इस टाइम में वो पढ़ाई वढ़ाई करता है, तो इसको लगता है कि मैं क्यों सो, पापा भी ऑफिस का काम करते हैं, तो इसको सोने का मन नहीं करता ना रे छोटू। इसको अभी पकड़ के लेके आई हूँ ना रे छोटकू,
तो अभी सुलाने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि रात को फिर एनर्जी इसका डाउन हो जाता है, और इसका डाउन होता है तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसके साथ हम लोग थोड़ा सा चटर मटर करते रहते हैं। तो इसीलिए इसको लेके आई हूँ सुलाने के लिए। और इसको सोने का मन नहीं कर रहा, बदमाशी करने का मन कर रहा है ना छटकू। हाउ वाज योर डे टुडे? गुड। व्हाट यू डिड? आई डिड द मॉर्निंग मीटिंग। मॉर्निंग मीटिंग, बाप रे आजकल का क्या है, मॉर्निंग मीटिंग। देन राइटिंग, रीडिंग, एंड आई रेड द सन, द मून एंड द स्टार्स। माय गॉड, दे आर रियल। दे आर नॉन फिक्शन बुक्स। एंड आई सर्च साइंस, देन आई फाउंड कोमोडो ड्रैगन्स। माय गॉड। देन आई डिड सोशल स्टडीज, Foundation, 5 minutes break, and math, and in math journal we have homework. Wow! So at the night you have to finish your homework, okay? Yes, in and today was your assessment. Yes. Assessment. It was good and easy. इट वॉज गुड एंड ईजी। अभी तक अनिरुद्ध को दुख है कि उसका दांत नहीं टूटा है, देखिए थे दांत गुला। अभी तक उसका दांत नहीं टूटा है। उसके क्लास में मैक्सिमम सब कोई का दांत टूट गया, बट अनिरुद्ध का दांत नहीं टूटा है ना छोटू। अभी तक दांत नहीं टूटा। उसको लगता है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स 7 ईयर्स ओल्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पे सेप्टेम्बर से कटिंग मार्क्स होता है एज का। तो ये उसी टाइम में 5 ईयर्स मतलब हुआ है किंडरगार्टन में, और बहुत किसी बच्चे का जिसका नवंबर बॉर्न है तो उनको वही क्लास मिलता है, तो 1 साल उनसे थोड़े बड़े हैं, तो उसके दिमाग में हमेशा रहते हैं क्यों वो लोग का इतना ईयर्स ओल्ड है, मेरा क्यों नहीं है। तो उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा चीज़ है। तो बस चलिए फिर इसको सुला लो, अदरवाइज ये सोएगा नहीं। Well, bye bye. Bye. We'll see you at evening time. See you at evening time. Bye bye. Bye. So, अभी शाम का टाइम है और 5 बजने जा रहे हैं, और अनिरुद्ध भी उठ चुका है, तो अभी चाय बनाएंगे, क्योंकि फास्टिंग के टाइम में इस टाइम में सर पकड़ने लग जाता है, तो चाय पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी ये लोग बैठ के थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं। तो बाहर का भी वेदर दिखाती हूँ, पूरा क्लाउडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो चुका है, ट्रिपल स्नो होने वाला है ना, तो दिखाती हूँ। और उधर आपको दिख रहा होगा ट्रक, ट्रक में लोग सॉल्ट लेके आते हैं और दे देते हैं, पता नहीं कितना स्नो होगा कि नहीं होगा, बट ये लोग प्रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि सॉल्ट देना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो है गाड़ी है या तो आप स्लिप करने का डर रहता है। तो उस ट्रक में आप देख रहे हो उसमें पूरा सॉल्ट लेके आए हैं, पूरा सोसाइटी में ये लोग सॉल्ट डालना शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा चिलिंग वेदर है, बट हाँ कभी कभी निकलने में मज़ा आता है, यहाँ पे बैठने में मज़ा आता है, क्योंकि बैठना ही नहीं हो पाता यार, इतना ठंड है। होपफुली अब स्प्रिंग आने लग रहा है तो बैठने में मज़ा आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कैसा लग रहा है वेदर बाहर का। और अब धीरे धीरे ना शाम जो है, मतलब दिन जो है बड़ा हो रहा है, पहले कितना 4:30 बजे पूरा एकदम अंधेरा हो जाता था, अभी धीरे धीरे अराउंड 5 o'clock के बाद थोड़ा सा नाइट हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर और चाय बनाते हैं। यहाँ पे मैं अपने कुछ पौधों को लेके आ गई हूँ, क्योंकि ठंड में थोड़ा सा इसका पौधे में देख पा रहे हैं अब पत्तियाँ थोड़ी सी ब्लैक पड़ जा रही है, तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ, थोड़ा सा धूप आता है। तो स्पेशली ये तुलसी का पौधा एक साइड में, इसको धूप नहीं मिल रहा था तो ब्लैकिश हो गया था, तो मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। और इस कड़ी पत्ता में भी आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक लीफ आ गया, तो ये भी लेके आ गई हूँ।
तो ये आराम से धूप में रहता है आजकल यहाँ पे। और एक चीज़, हम लोग ये वाला पानी का जो है कंटेनर लेके आए हैं यहाँ पे। फिल्टर किया हुआ पानी मैं यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे यूजुअली लोग फिल्टर पानी पीते हैं या तो बॉटल पानी पीते हैं। हम लोग भी बॉटल पानी पीते थे, तो अभी हम लोग ये कंटेनर लेके आए हैं। पहले क्या था, जो हमारे पास जो फ़िल्टर करने वाला जो कंटेनर था ना, उसको फ़िल्टर करके रखने का जगह नहीं था, मतलब पानी को। तो हम लोग इस वीकेंड में गए थे वॉलमार्ट, तो यहाँ ये वाला लेके आए हैं। ये यूजुअली यहाँ पे ये लोग पार्टी करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं या तो डिटॉक्स वाटर रखते हैं, जिसमें लेमन वेमन डाल के पार्टी के टाइम में ये लोग सोडा वोडा डाल के रख देते हैं। बट हम लोग यूज़ कर रहे हैं पानी रखने के लिए देसी टाइप का, तो अच्छा है ये। और ये सबसे अच्छा है कि ग्लास का है, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर में किसी चीज़ को रखना अच्छा नहीं है, तो हम लोग ग्लास वाला ही लिए। तो ये वाला एक नया चीज़ है जो हम लोग लेके आए हैं और पानी स्टोर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फटाफट शाम का एक चाय बना लूँ। अपने आने दो। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6, और इस टाइम में मेरा दिया बाती जो है करना हो गया है, और अभी बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए। सो यहाँ पे अनिरुद्ध का भी मैथ्स वर्क चल रहा है। और अभिरूप भी यहाँ पे पढ़ रहा है अपना। What is that? Read loudly. And three stars. And gate earned. A gate earned 4 stars. Kholi earned.
only earn one star. So what you need to do? I need to color it. सो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये लोग भी पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, ये लोग को भी मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ और डिनर का भी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। सो अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय 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 बाय।